पीटीआई का हिस्सा हैं या 9 मई के बाद पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते हैं, पीटीआई के रहनुमा नजीब हारून से सहाफी का सवाल। नजीब हारून ने जवाब दिया कि एक बार पहले भी कौमी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे चुका हूं, 14 महीने पहले फिर पार्टी से दरख्वास्त भी की थी कि मेरी जगह किसी और को नामजद कर दिया जाए। क्या नजीब हारून आज भी जो है वो पीटीआई का हिस्सा है या 9 मई के वाकयात के बाद बतौर इंजीनियर पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते हैं? मैं फाउंडर हूँ और 96 के अंदर जब पार्टी बनी तो आई फाउंडेड द पार्टी, मैंने इस्तीफा भी दिया था। इस्तीफा एक तरह का तवज्जो दिलाओ नोटिस था, यानी तरजीहात थी, जो मामलात थे वो भी। और उसके बाद मतलब है मैंने कोई 1.25 साल पहले, 14 महीने पहले ये भी रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त चूँकि मामलात गंभीर हो गए थे तो जाहिर बात है कि मैंने ये भी तवज्जो दिलाई थी उस वक्त यानी हुकूमत थी कि यानी स्टेप डाउन करके किसी और को नॉमिनेट कर दिया जाए।